फिल्म्स में हम सूर्य और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। सबसे बड़ा टॉपिक आज का ये रहा कि अक्षय कुमार की सिटीजनशिप आखिर कहाँ की है, यानी कि नागरिकता कहाँ की है। क्या अक्षय कुमार इंडियन है या अक्षय कुमार है कैनेडियन? जी हाँ, एक वीडियो में शायद मैंने ये भी आपसे कहा था कि कई लोग अक्षय कुमार को ये ट्रोल करते हैं। मैंने कॉमेडी टाइप वीडियो बनाने की कोशिश की थी जहाँ पे मैंने कई बार देखा था लोगों को ये कहते हुए कि अक्षय कैनेडियन भगोड़ा है, यानी कि कनाडा का रहने वाला है ना। तो यहाँ पर लाजमी था, इलेक्शंस के सर पर था, 29 तारीख को इलेक्शंस हुए मुंबई में। एंड जब ये देखा गया कि अक्षय कुमार ने वोट नहीं दिया तो लोग और सवाल पूछने लगे, यार इतना देशभक्ति करता है, अक्षय कुमार ने वोट क्यों नहीं दिया, है ना। तो एक इवेंट में भी अक्षय कुमार से सवाल पूछा गया तो अक्षय कुमार ने बोला, अबे चल बे, चल यार आगे चल, है ना। यानी कि वो आंसर को इग्नोर किया अक्षय कुमार ने। लेकिन दो दिन से अक्षय कुमार ये भी जानते और हम सभी भी जानते उसके खिलाफ उस वीडियो को बहुत ज्यादा वायरल किया गया, उस वीडियो को सोशल मीडिया पे हर जगह ट्रोल कराया गया, उस वीडियो को लेकर कई सारे आर्टिकल्स बने कि क्या अक्षय कुमार कैनेडा का है ये वो। अरे यार अभी तक ये चल रहा था कि राहुल गांधी क्या भारतीय है या इटली के नागरिक है, और अभी ये नया आ गया। हाँ लोगों में ऐसा है कि यार पता नहीं किस बात की होड़ है, दूसरों को नीचा दिखाना, अपने को ऊपर दिखाना, लोगों की नुक्स निकालना, लोगों की अच्छाई को गलत तरह से पेश करना। लोग पता नहीं क्या सोच रहे, क्या चाहते हैं, क्या बनते जा रहे, ऐसी डोंट नो। एनीवेज अक्षय कुमार ने आज इसकी सफाई देते हुए जो कहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ पढ़ के। इंग्लिश में एक लाइन बताऊंगा और उसके बाद छोटी सी है, उसके बाद उसको हिंदी में बताऊंगा। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड द अनवॉन्टेड इंटरेस्ट एंड नेगेटिविटी अबाउट माई सिटीजनशिप। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि लोगों को बिना वजह की इतनी नेगेटिव फैलाने की क्या जरूरत है मेरी सिटीजनशिप को लेकर, यानी कि मेरी नागरिकता को लेकर। आई हैव नेवर हिडन और डिनाइड दैट आई होल्ड ए कैनेडियन पासपोर्ट। मैंने कभी मना नहीं किया ना कभी डिनाई किया कि मेरे पास कैनेडा का पासपोर्ट है। ये कहा है अक्षय ने, इसके बाद आगे कहा है, इट इज Also equally true that I have not visited Canada in last 7 years. और ये भी लोग बखूबी जानते हैं कि मैं 7 सालों से अभी तक कनाडा नहीं गया हूँ। मैं इंडिया में काम करता हूँ और इंडिया में टैक्सेस भरता हूँ। I work in India and pay all my taxes in India. While all these years I have never needed to prove my love for India to anyone, I find it disappointing that my citizenship issue is constantly dragged into needless controversy, a matter that is personal, legal, non-political and of course non-conscious to others. यानी कि यहाँ पर साफ साफ कहा है कि मैं कितना प्यार करता हूँ इंडिया से, यानी कि इंडिया कितना मेरे करीब है, इंडिया के लिए कितना मेरे दिल में प्यार वो है, वो मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात को मेरी सिटीजनशिप को लेकर जो बिना मतलब की तूल दी जाती है, बिना मतलब का ये घिसी पिटी चीजें होती है, कंट्रोवर्सी होती है मेरी नागरिकता को लेकर, वो मुझे बहुत अजीब सा लगता है, वो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगता है। क्योंकि मैं पर्सनल है, मैं लीगली नॉन पॉलिटिकल है, ये इस मतलब ये मेरी पर्सनल चीज है, मैं कुछ भी कहां का भी रह सकता हूं, कहीं का भी हो सकता हूं। ये उन्होंने साफ साफ कहा है कि इसमें किसी की क्या लेना देना, किसी को क्या लेना देना इसमें, और मुझे मेरे देश के लिए कितना प्यार है, इंडिया के लिए, वो उन्हें बताने की जरूरत नहीं। साफ है, सीधी सी बात, बुझाया तू इंडिया, तू भारतीय है, तू बता तू भारतीय, प्रूफ करके दिखाया है भारतीय है, सीधी सी बात है। लास्टली आई वुड लाइक टू कंटिन्यू कंट्रीब्यूटिंग इन स्मॉल वे टू द कॉजेज दैट आई बिलीव इन एंड मेक इंडिया स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्गर। और मैं साथ ही साथ कुछ ना कुछ जितना हो सकता है मैं इसे करते रहता हूँ लोगों के लिए, इंडिया के लिए जितना हो सकता है, ताकि हमारा जो देश है भारत इंडिया वो स्ट्रांग से स्ट्रांगर होता जाए और मजबूत से मजबूत होता जाए। यानी कि यहाँ पर साफ है कि अक्षय कुमार को भी अंदर से शायद ठेस पहुंची है इस तरह की ट्रोलिंग को लेकर। उन्हें साफ साफ कहा है कि ये बिना मतलब की बातें हैं। तो यहाँ पर जो लोग ट्रोलिंग करते हैं, जो अक्षय को भगोड़ा कहते हैं, ये सब कहते हैं, अगर आपको इतना ही पड़ी है, इतना ही आपको उनकी जिंदगी में इंटरेस्ट है, तो कुछ चीजें मैं आपको सामने सामने रखता हूँ। अगर सही में आपको इंटरेस्ट है तो जरूर फॉलो कीजिएगा। सुबह 4 बजे उठिएगा, अक्षय जिसे उठते हैं वो डिसिप्लिन इंसान है, 100 में से 1 लोग उस तरह का डिसिप्लिन पालते हैं दुनिया में, यानी कि जो अपनी दुनिया की आबादी होगी उसमें से 1% लोग वो डिसिप्लिन पालते हैं। मतलब जो उठता जो एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, यानी कि उनको पता है कब उठना है, कब सोना है, कब जागना है, कब क्या करना, वो बहुत ही डिसिप्लिन है, उनका टाइम सब फिक्स रहता है। तो ऐसे ही अगर आपको इतना ही कॉपी करना है अक्षय कुमार के बारे में, इतना ही वो चीज है, तो भैया उनकी जो शेड्यूल है, उनकी जो लाइफस्टाइल है वो कॉपी करो, है ना। तो ये चीज है कि लोग ना पॉजिटिव चीजों को कम देखते हैं, नेगेटिव चीजों को ज्यादा देते हैं।
सौ बुरे रहेंगे उसमें से एक अच्छा इंसान रहेगा तो वो अच्छे इंसान को भी लोग बुरा बनाना चाहते हैं। तो ये दुनिया का असूल है और यही चीज है जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ती जाए उसका ही आई थिंक रीजन है। बट यस इट इज वेरी हार्ट फुल अंदर से दुख हुआ ये सब सुनकर कि अक्षय कुमार जैसे एक्टर को इस तरह का एक्सप्रेशन देना पड़ रहा है। इट इज सो सो सॉरी फॉर इंडियन पीपल स्पेशली जो सोशल मीडिया पे दबंगई या बकवास चीजें करते हैं उनके लिए ट्रोलर्स के लिए। एंड आई पर्सनली मैं इसलिए भी वीडियो बना रहा हूँ कि मुझे लगा कि यार इट इज इम्पोर्टेंट टू स्पीक आउट अबाउट पीपल एंड अदर्स। यार वो जैसा भी है इंडियन है दिल से इतना तो आपको मानना ही पड़ेगा ठीक है। एंड ही डजेंट हैव टू प्रूव एनीथिंग। और हम जितने भारतीय हैं हम सही में देश से प्यार करते हैं तो हमारे ये सब टॉपिक को छोड़कर हमें अच्छे से किसी की मदद करनी चाहिए, आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए। उनका उन्होंने जो भारत के वीर फाउंडेशन बनाया है वो भी तो एक बहुत बड़ा देशभक्त भक्ति का काम है, उसमें डोनेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन हमको तो उनके सिटीजनशिप को लेकर बहुत सारी बकवास करनी है ना, तो आई थिंक करते हैं जिसको करना, बट दिस इज नॉट ए गुड थिंग है ना। इट इज नॉट एट ऑल कंस्ट्रक्टिव, फायदा किसी को नहीं होगा, सिर्फ फालतू की बकवास होगी। चलिए फिर वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है अक्षय कुमार जो अपनी एक सफाई दी है उसके बारे में जो बताइए। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए और साथ ही बहुत पीछे जो सादर सदर बहुत जल्दी पोस्टर्स लगाऊंगा, माफी चाहता हूँ काफी इनसे लगाया नहीं हूँ। चलिए फिर इतना ही।